जी नमस्कार दोस्तों, अगर आप लंदन वास्तुशिल्प जीवन शैली का आनंद लेना चाह रहे हैं तो अब आपको उसके लिए लंदन जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहीं मिलेगा आपके अपने शहर लखनऊ में। जी हाँ, मैं अरविंद तिवारी फ्रॉम एवी रियलिटी आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। एक ऐसे प्रोजेक्ट के संदर्भ में है जो ब्रिटिश आर्किटेक्चर का एक लाजवाब नमूना है। जी बात कर रहे हैं आप लोगों से इल्डिको एम्पीरिया के विषय में। इल्डिको एम्पीरिया की बात करें तो दो भाग में है, एक फेज 1 फेज 2 चर्चा करेंगे कंप्लीट फेज 2 के लिए, लेकिन शुरुआत करते हैं फेज 1 से। फेज 1 में इल्डिको एम्पीरिया 194 विला लेके आए थे और जो पूरी की पूरी तरीके से सोल्ड आउट हैं। लगभग 1 साल के अंत तक इसमें आप लोगों को पजेशन मिल जाएगा। ब्रिटिश आर्किटेक्चर का आपको जब साइड पे पहुंचते हैं तो एक लाजवाब नमूना फील होता है, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि अगर आपको लंदन में रहने की फील चाहिए तो लखनऊ में मिल सकती है। इस प्रोजेक्ट के लोकेशन की बात करें तो यह सरसंडे रोड लखनऊ पे पड़ता है, जिसके आउटर रिंग रोड से दूरी लगभग 3.5 किलोमीटर की है और शहीद पथ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी है। प्रोजेक्ट में सारी सुविधाएं मिलेंगी, चाहे आपका शॉपिंग सेंटर हो, चाहे बच्चों के लिए स्कूल्स हो, और बाकी और भी जो सुविधाएं हैं वो तो प्रोजेक्ट के अंदर में है ही। आने वाले समय में क्योंकि शहीद पथ से और मेन सिटी से थोड़ा दूर है तो जो अर्निंग पर्सन हैं उनको ही बाहर जाने की ज़रूरत है, बाकी सारे लोग टाउनशिप का एंजॉय करें, फील करें वो कहाँ पे रह रहे हैं। और साथ में दोस्तों, ये आप लोगों से ज़रूर अनुरोध रहेगा कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और फेज 2 में इल्डिको प्लाट्स और विला दोनों लेके आ रहे हैं और प्लॉट्स कंप्लीट सोल्ड आउट हो चुके हैं, क्योंकि इल्डिको जैसा नाम लखनऊ के अंदर में प्लॉट्स लेके आए और उसको बिकने में टाइम लगे ये हो ही नहीं सकता। बट आने वाले में समय में आपको इल्डिको इम्पीरिया में प्लॉट्स मिलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम प्लॉट्स जो हैं वो इन्वेस्टर्स ने लिया हुआ है लगभग 50% से ज़्यादा, तो आपको रीसेल में ज़रूर थोड़ा अप्रिसिएशन होने के बाद में इसमें बिकते हुए मिल जाएंगे। बाकी प्लॉट के बाद साथ में कुछ विला हैं जो फेज 1 के ही सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है और जिसमें कुछ इन्वेंट्री अभी अवेलेबल है और जो सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स है उसी के संदर्भ में ये पूरा वीडियो है और वीडियो में मैं उसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट के थ्रू ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और अब हम बढ़ते हैं इल्डिको के मेन गेट की तरफ। जी दोस्तों, अब हम आ गए हैं इल्डिको एम्पीरिया के मेन गेट के पास में। अब हम टाउनशिप के अंदर में एंट्री ले रहे हैं। एक तरफ से आपको एंट्री का गेट मिलेगा, बगल से आपको एग्जिट का गेट मिलेगा और टाउनशिप के पास पहुंचते ही आपको अनुभव हो जाएगा कोई कुछ अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर ये पूरा का पूरा जो है टाउनशिप बन रहा है। और जब हम लोग मेन गेट से एंट्री लेते हैं तो वहाँ पर फ्रंट में थोड़ा आपको गार्डन या गार्डनिंग एरिया मिल जाता है और उसके बाद में डिवाइडर रोड जिसके दोनों तरफ आपका ग्रीन पैच के साथ में पूरा टाउनशिप के अंदर में चला जा रहा है। फेज 1 की बात करूं तो फेज 1 इल्डिको इसमें सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स बिला लेके आए थे जो 194 थे, जो पूरी तरीके से सोल्ड आउट है। फेज 1 का पोजीशन इस साल के अंत तक आपको मिल सकता है। फेज 1 की लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट हैं लगभग 90% से ज़्यादा और यहाँ पर क्लब हाउस, रोड्स और पानी की टाकी लगभग ये फाइनल स्टेज के ऊपर हैं। तो फेज 1 को हम इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि फेज 1 के ही तरीके से फेज 2 बनना है और ये आपका फेज 1 पूरा आप देखेंगे तो एक ब्रिटिश आर्किटेक्चर का एक लाजवाब नमूना है जो लखनऊ शहर के अंदर में आपको मिल रहा है। अभी हम पार्क में खड़े हैं, पार्क भी लगभग सेम थीम के ऊपर है और बिला फ्रंट पे आप देखेंगे तो डुप्लेक्स और बने हुए हैं और जो अलग अलग साइजेस में थे, क्योंकि फेज 1 पूरा बिक चुका है तो इसलिए उनमें मैं साइजेस में नहीं जाऊंगा। ये सामने आप डुप्लेक्स बिला देख रहे हैं, बहुत बढ़िया है और इसी के तरीके से आपका फेज 2 भी डेवलप होने जा रहा है। फेज 2 लगभग 31 एकड़ के अंदर में लेके आ रहे हैं जिसमें प्लॉट्स और बिला मिल जाएंगे। फेज 2 में एमिनिटीज़ की बात करूँ तो इसमें आपका मल्टीपल गार्डन मिलेगा, आपको बैडमिंटन कोर्ट, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम, शॉपिंग सेंटर, किड्स प्ले एरिया, लैंडस्केप ग्रीन, मल्टीपर्पज कोर्ट, पार्टी लॉन, जॉगिंग ट्रैक, लॉन टेनिस जैसे तमाम सुविधाएं मिलेंगी। फेज 2 में इंडिको 2 प्लॉट्स और विला दोनों लेके आए हुए हैं। फेज 1 में ये सिर्फ विला लेके आए थे
और फेज टू में दोनों सुविधाएं आपको दे रहा है डेवलपर। और क्योंकि इंडिगो जैसा ब्रांड लखनऊ के अंदर में प्लॉट्स ला रहे हैं, तो आप भी समझ सकते हो कि इंडिगो के प्लॉट्स कितना दिन रुकेंगे। तो आज के समय की बात करूं तो इंडिगो के सारे प्लॉट्स सोल्ड आउट हो चुके हैं, इन्वेंट्री जीरो है। प्लॉट साइज प्लॉट्स के और बिला के लगभग सिमिलर थे, अभी मैं आगे बताऊंगा तो उसे आपको जजमेंट हो जाएगा कि प्लॉट साइज क्या थे। बाकी फेज टू भी फेज वन के जैसा बनना है, ये सिंप्लेक्स बिला हैं फेज वन के, आगे आपने डुप्लेक्स बिला देखे, सेम कॉन्सेप्ट में आपको बिला फेज टू को देखने के लिए मिल जाएंगे। और फेज टू में जो अभी बिला की इन्वेंट्री है उस विषय में आगे हम चर्चा करें, तो इसमें 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK के बिला अवेलेबल हैं जो विभिन्न साइज में आ जाते हैं। प्लॉट साइज 1072 स्क्वायर फीट का है, बिल्टअप एरिया 1178 स्क्वायर फीट का है, कारपेट 964 का है, इसकी कीमत 90 लाख रुपए है। और दूसरा जो प्लॉट साइज है आपका 1153 का है और बिल्टअप एरिया 1178 का है, कारपेट 964 का है, प्लॉट साइज बढ़ गया इसलिए इसकी कीमत 94,75,000 रुपये है। उसके बाद में 1378 का प्लॉट साइज है, बिल्टअप एरिया 1357 का है, कारपेट एरिया 1190 का है, इसकी कीमत 96,25,000 रुपया है। उसके बाद में अगला प्लॉट साइज 1636 स्क्वायर फीट का है, बिल्टअप एरिया 1357 का है, 1190 का कारपेट एरिया है पिछले के जैसा, लेकिन प्लॉट साइज बढ़ गया इसलिए इसकी भी कीमत 1,25,00,000 रुपये से शुरुआत होती है। यहाँ से फेज टू स्टार्ट हो रहा है और सीवर लाइन रोड्स का काम चल रहा है, वीडियो में आप देखेंगे। उसके बाद में 1744 का प्लॉट साइज है और बिल्टअप एरिया 1545 का है और कारपेट एरिया 1262 का है, इसकी कीमत 1,26,00,000 रुपया है। उसके बाद में 2077 का प्लॉट साइज है और बिल्टअप एरिया 1767 का है, कारपेट एरिया 1457 का है, इसकी कीमत 1,45,00,000 रुपया है। मित्रों, वीडियो के साथ में मैंने नंबर दिया हुआ है, इस प्रोजेक्ट से लेके कोई क्वेरी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और साथ में आप लोगों से यही निवेदन रहेगा कि आप कमेंट के थ्रू हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और हमारी यही कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ आपको नया परोसे जिससे आपको जानकारी मिल सके। उसमें त्रुटियाँ हो सकती हैं तो उसको आप नज़रअंदाज कीजिए, आने वाले समय में बेस्ट करने की कोशिश करूँगा। साथ में आप लोगों से अनुरोध है कि हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।